ओके ओके चालू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम आयन कौशल्य माता मंदिर, जो रायपुर से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी में है, और ये दुनिया के एकमात्र मंदिर ऐसे है जो माता कौशल्या समर्पित। आज मोर साथ है मोर दोस्त, मोर छोटे से मित्र, बड़े से आदमी अजय भैया। तो आज हम दोनों को मिलके इन्हें एक्सप्लोर करबो और आप मान लो दिखाबो रोमांचक ब्लॉग ला। चलो सबसे पहले हम जैसे गेट में एंट्री मारबो, यहाँ पे एक बड़े से बोर्ड में लिखा है माता कौशल्य मंदिर धाम ऐसे करके, और यहाँ पे ऊपर में लिखा है राम वन गमन पर्यटन स्थल परिपथ। यहाँ से देख सकते हो पूरा एरिया जो है बहुत ही सुंदर है, और गाड़ी रखना रही ना तो इला लेना जरूरी रख, ठीक है, इला लेके ही आओ ताकि गाड़ी रखने की जगह हो जाए। यहाँ गाड़ी रखने की कोई ऐसी खास जगह नहीं है, जो मैं कोई पार्किंग वाला कोई ऐसे स्थल नहीं है, ये जगह देख सका तो कोई भी ऐसे पार्किंग करके चले जाते हैं। तो गाड़ी ले सेफ्टी से रखना है ना, तो पहले ऐसे नारियल ले लगी ओकर बाद रखने लगी। तो आप मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा तो निःशुल्क में जूता चप्पल ला रखे जाते हैं यहाँ पे। आप मन आओ अपन जूता चप्पल ला निःशुल्क में यहाँ पे रखो और सुंदर माता कौशल्या के दर्शन करो। तो आज सोमवारी चप्पल रखे पर यहाँ ट्रे वाला सुविधा है, जिसमें एक ठन ट्रेला निकालना है, जैसे कि हम निकाले हैं ट्रे नंबर 48 ला, फिर हमें चप्पल डालना है, फिर वापस रख देना है, फिर आपसे मैं ये निकाल के फिर से ले लेना चप्पल ला। जैसे आगे बढ़ू अपन ला सामने में ही देखी भगवान श्री राम की एक विशाल काय मूर्ति, जो अपना आप में ही बहुत सुंदर दिखते, तो नज़दीक में जाके ना सब एक्सप्लोर करबो हम और दिखाबो। वही है एक मेन गेट, यहीं से ही एंट्री होते। आप मतलब सबसे पहले ले चलते मैं है राम भगवान के मूर्ति के नीचे में, तो चलो संगवारी वो चलते ना अपन राम भगवान और साथ ही साथ हनुमान जी के पास। थोड़ा मौसम गर्म हो गया ना तो गोड़ तिपा थे भाई, से मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस वाली बात, पैर सही है गरम गरम लागत। तो देख सको तो एकदम विशाल काय मूर्ति है यहाँ पे, लगभग 51 फीट की मूर्ति है जहाँ तक कि मोला ख्याल है। तो नज़दीक में जाके देखते हैं मूर्ति की ऊंचाई ला देखे तो मोला मोर टोपी उतारे लगा तो कौन है ये लोग? भगवान श्री राम के चरण ले स्पर्श करत और जय श्री राम के नारा लगा मनागत नहीं बढ़े, और एक स्ट्रक्चर ला देख के मैं कंफ्यूजन में रहूं ये का के बने। ये जो ना पत्थर से बने हैं, अला जोड़ जोड़ के इसे बनाए गए, पूरा हर पार्ट में एक एक ठन जॉइंट है, इसे देख सकते हो नज़दीक से, कैमरा में तो नहीं दिखे पर नज़दीक से देख सकते हो कि ये जॉइंट जॉइंट करके ही बनाए गए। और इतना बड़ी मूर्ति बनाना अपन आप में ही बहुत बड़ी कलाकारी होते संगवारी हो, तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ी मूर्ति बनाओगे श्री राम भगवान के। तो जय जय श्री राम। अब ऊपर से यहाँ के नज़ारा देख सकते हो कैसे है, इस प्रकार से नज़ारा रहते हैं, इतने पूरा गाड़ी गाड़ी लगाते, इतनी कार लगी है उतनी गाड़ी है, और यहाँ पे पूरा ऐसे मेला टाइप से भरे रहते हैं। जमें नरियल धन ना यार, और क्या बोलते हैं जैसे हम भगवान श्री हनुमान का जो मूर्ति लेना नीचे में वापसी जाए टाइम पे दिखाबो। अभी तुम देख सकते हो कितना बड़े एरिया पे मंदिर फैले हुए हैं, और मंदिर जो है ना एकदम बीचों बीच दरिया के बीच में है, एकदम मतलब जोरदार जो नज़ारा है कभी ना तो एकदम जोरदार है। तो मैं आप मतलब बताना चाहूंगा कि यो यार अपन माता कौशल्या के मंदिर जिला में 27 किलोमीटर दूर से देखे बार आए हो, और मोरा हो भाग्य हमार कि मोला कौशल्या माता के दर्शन करे के मौका मिली से।
ये जो है ना पहली जगह गड्ढर ही से पता है, इनमें ना पानी लग रहा है, तो जैसे आप एंट्री करते हो ना पानी में तो गोड़ मस्त धोवाते से होकर बाद एंट्री होती से। कृपया तालाब में मोरे ना डाले, जुर्माना 250 रुपये। इसको कोई फाड़ दिया है नहीं तो सही में जुर्माना होता था भाई, इधर ऐसे मजाक वाली बात नहीं। अब लोग क्या है ना मछली के लिए ऐसे डाल देते हैं ना इसमें मुर्रा, चौकी खेल देते हैं तो उसी के लिए है वो। बहुत सुंदर है यहाँ की एंट्री है, कितना शानदार तरीके से यहाँ से कारपेट बिछाया गया, इतना ऐसे लगता है जैसे एकदम राज, क्या बोलते हो पापा जानते राजघराना में प्रवेश कर प्रवेश कर। मोर जिंदगी में मैं इतना मंदिर गया हूँ मगर लाइफ में फर्स्ट का टाइम ऐसे मंदिर में आया हूँ जहाँ कारपेट बिछे हैं। तो यहाँ कोई श्रद्धालु मतलब भी पैर जले के तो नौबत नहीं है, बाकी बहुत अच्छा लगे। वैसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे गए थे कि मंदिर प्रांगण में खाना पीना है। सही बात है ना, खाना वाना खा के होते फैला से तो गंदा हो जाता है ना पूरा परिसर, इतना सुंदर बनाया गया बोला गंदा कर दी तो जाहिर सी बात है हमारे नुकसान है, हमारे इंसल्ट हुई ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, देख सकते हो तो कितना अच्छा गार्डन है, ये जो घास है ना ओरिजिनल घास टाइप तो लगा थी, ओरिजिनल है भाई। तो संगवारी हो जे चीज बार में आए हो वो चीज ला मैं पहले करता हूँ और आप में मैं दिखाता हूँ माता कौशल्या मंदिर। जी संध्या की बेरा डालत जाते वैसे ही यहाँ भीड़ बढ़ा जाते, जैसे देख सकते बगल में लोग लेकर डोकरे डाल रही दीदी मन सब भोजन हुआ है, आदि मन की भीड़ कर रहे थे। वही मंदिर के परिसर इतना सुकून देते ना, यहाँ से वापस जाके मन नहीं करे। और हाँ मन तो पैदासी मस्तीखोर आदमी मस्तीखोर करे पर तो छोड़ नहीं करें, जैसे कि मौसम वारी में आप घूम कर थे ये देख। ये जो मंदिर आपने देखा तो यही मंदिर है माता के मेन मंदिर, और एक जैसे आगे बढ़ गए वैसे ही आत्मा का थोड़ी छोटे और बहुत सारे मंदिर देखी। तो चलो सोमवारी हो मोला तो माता के प्रसाद मिल गए हाथ में ले चल तो अपन तब से भोला भाला महादेव के दरबार में। तो देख सकते तो भगवान भोलेनाथ के बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे हवे, और यहाँ ऊपर ले जो मंदिर के नज़ारे हैं वो भी बहुत शानदार दिखते, जैसे कि आप मतलब दिखाता हूँ तो देखो अमर शिव जी, और ये देखो संध्याकालीन के सूर्य देव, और रीति मंदिर और पूरा तालाब। ज़्यादा बड़े जगह में तो फैले नहीं ही मंदिर है, लेकिन जो मंदिर की जगह है वो बहुत सुकूनदायक, यहाँ से वापस जाके मन नहीं करे। आप मतलब मैं दिखाना चाहूँ ये तो वो एक बार दिखा रहे हो जो वो साइड के तालाब रहे से, अब फिर यहाँ से आप मतलब मैं तालाब से लोकेशन दिखाना चाहूँ और यहाँ जो तालाब के जब नाइट में वाटर डांस होते ना आप अरे कहना क्या चाहते हो, तब पानी डांस वो इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है पूछो मत। ठीक है, और यहाँ तालाब के बीचों बीच भी अच्छा अच्छा कलाकृति करे गए हैं, जैसे कि समुद्र मंथन की कलाकृति, और वो साइड पे और अलग अलग ऐसे मूर्ति बनाई गई तालाब के बीचों बीच में, बहुत ही सुंदर लगते। तो आप मन तो देखते छे हो इतना पूरा तालाब ला, और ये जो तालाब जो दिखत है पूरा गोल तालाब है और बीच में माता कौशल्या विराजमान है और बहुत अच्छा है और नज़ारा तो इतना अच्छा है कि एक बार आओ दिल ला पूरा शांति मन ला पूरा शांति, और बहुत ही अच्छा जगह है लोकेशन अच्छा है यहाँ के। और आप मन एक बार आओ दोबारा आके पक्का मन करे। तो बस इतना ही रीच है कौशल्या माता मंदिर के ब्लॉग का, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए लाइक शेयर और कमेंट करते रहो। हे 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 हे
हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ?